जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा के करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं। साँच को आँच नहीं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये आज बात सिद्ध भी साबित हो गई। जी हाँ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि सीबीआई की छापेमारी चल रही थी। और तो और, जिस तरह से बीजेपी और सीबीआई मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर लग गई थी, ऐसा लग रहा था कि मानो चींटी गुड़ के पीछे लग गई हो। बिल्कुल पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी ये सीबीआई। लेकिन आखिरकार हद तो तब हो जाती है कि जब मनीष सिसोदिया के जो बैंक अकाउंट हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके जो लॉकर हैं, वहां तक पहुंच जाती है जी सीबीआई, वहां तक छानबीन की जाती है। लेकिन मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। मनीष सिसोदिया ने पहले ही कहा था कि बीजेपी का और जो सीबीआई है, तमाम जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं जो जांच करने वाली हैं, सबका स्वागत है। वो जब मर्जी कभी भी पूछताछ कर सकते हैं, जब मर्जी उन्हें कोई भी चीज़ अगर खंगालनी है तो खंगाल सकते हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे बीजेपी मुद्दा बना सके। दरअसल दिल्ली में शराब नीति के मामले को लेकर मनीष सिसोदिया पर लगातार बीजेपी हमलावर थी। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केवल और केवल कुछ कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए शराब की जो स्कीम थी फ्री पर फ्री वाली, और जगह जगह जो शराब के ठेके खोले गए थे, वो कुछ चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस बात से मना कर दिया था और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस बात से खुद को अलग किया था। हालांकि जब सीबीआई की जांच हुई, और सीबीआई की अगर बात करें तो उनके पुश्तैनी जो गांव है मनीष सिसोदिया का, वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। और आज जिस तरह से देखने को मिला कि तमाम जो सरकारी एजेंसियाँ, मीडिया का कैमरा और तमाम मीडिया जो हैं वो बैंक के अंदर मौजूद थे, जगह जगह कैमरे ही कैमरे नज़र आ रहे थे, जहाँ पे मनीष सिसोदिया का लॉकर है, उनकी पत्नी के लॉकर है, वहाँ की छानबीन की गई, तो मिला क्या? महज चंद गहने, महज कुछ हज़ार रुपए की राशि। और वो हज़ार रुपए की राशि आम लोगों के पास नेचुरल से बातें वो होती है, 50-60 हज़ार रुपए। इसके अलावा अगर ज्वेलरी की बात करें तो मनीष सिसोदिया की पत्नी जो है, उनके पास ज़्यादा कुछ भारी भरकम ज्वेलरी नहीं थी। एक आम महिला के पास जितनी नॉर्मल ज्वेलरी होती है उतनी ही ज्वेलरी थी। मनीष सिसोदिया बीजेपी पर खूब जमकर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त बीजेपी पर हंसी आ रही है, लेकिन वो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि मोदी जी ने यहाँ तक आकर जांच की है। वो ये कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो आज जिस तरह से, या मोदी सरकार आज जिस तरह से काम कर रही है, ये सीधे तौर पर बताता है कि केवल और केवल विपक्ष को ही साधा जा रहा है। मनीष सिसोदिया पर लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घेराबंदी की गई है सीबीआई की तरफ से, और जो लगातार अभी तक छापेमारी चल रही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के हाथ कुछ लगा नहीं है, तो वो कहावत मुझे याद आती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि हाथ इनके कुछ लगा नहीं, सबूत इन्हें मिला नहीं, तो बीजेपी इस वक्त खंबा नोचने वाला काम कर रही है, क्योंकि अपने बाल ये नोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी जाँच तो हो गई, लेकिन आपकी जाँच कब होगी? व्यापम घोटाला, इसके साथ ही अगर बात करें तो कई बड़े कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने का जो आरोप लगा है, कई बंदरगाह बेच दिए गए निजी फ़ायदों के लिए, उसकी जांच कब होगी? स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी, जिनका गोवा में रेस्टोरेंट एंड बार था सिली एंड सॉल, उसकी जांच कब होगी? यानी कि क्या सीबीआई, एनसीबी, ये जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, ये केवल विपक्ष के लिए बनी हैं? सत्ता पक्ष से सवाल नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष पर सवाल नहीं दागे जाने चाहिए। मनीष सिसोदिया का सबसे पहले तो एक बाइट हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, जो बाइट वो दे रहे थे, चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी चीज़ का डर है। डरता तो वही है जिसने जुर्म किया, और मनीष सिसोदिया तो पहले ही कह रहे थे हम और हमारी आम आदमी पार्टी पाक साफ है।
सांच को आँच वाली बात यहाँ पर दिख रही है, और जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई, ये भी बात आपने सुनी होगी। भाई सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो सच्चाई के साथ खड़ा है, भले ही सच्चाई का रास्ता लंबा ज़रूर होता है, मुश्किल ज़रूर होती है, कठिनाई ज़रूर होती है, लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी ने उसको पार ज़रूर किया, मनीष सिसोदिया ने उसको पार ज़रूर किया। और मनीष सिसोदिया ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, क्यों मोदी जी, कुछ तो मिला होगा आपको या आपकी इन सरकारी एजेंसियों को, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ इन्हें वापसी जाना पड़ रहा है। चाहे मनीष सिसोदिया के पुश्तैनी घर हो या दिल्ली में मनीष सिसोदिया का जो घर हो या बैंक हो, बैंक अकाउंट हो या जो भी तिजोरी हो, जहां से भी छापेमारी की, केवल और केवल कुछ नहीं मिल पाया। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि मिलना तो तब था जब कुछ होता, जब कुछ था ही नहीं तो ढिंढोरा क्यों पीटा गया। मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी, तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी, प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा के करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जाँच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जाँच में एकदम क्लीन चिट है, कहीं कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो वो ये करेंगे किसी समय पर आने पर, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। तो देखा आपने मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बीजेपी केवल और केवल इस बात से नाराज है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है, दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गुजरात, इनका जो रास्ता है वो लगातार तय होता चला जा रहा है। बीजेपी केवल और केवल समुदाय के नाम पर बात करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, और अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब गुजरात गए, वहाँ पर एक सेमिनार को उन्होंने जिस तरह से आयोजित किया, वहाँ पर लाखों की संख्या में बच्चे मौजूद थे, वो बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो बच्चे जो परीक्षा ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि उन बच्चों को आश्वासन अरविंद केजरीवाल ने दिया कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी पार्टी यहाँ पर आएगी तो जो भी रुके हुए एग्ज़ाम थे, जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है, वो सब होता नज़र आएगा। यही सब देखकर बीजेपी इस वक्त घबरा गई है कि आम आदमी पार्टी कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो भी हम आम आदमी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आज कहीं ना कहीं विस्तार की नीति पर आगे चलती नज़र आ रही है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से जो सुबह से लेकर दोपहर तक की बात करें, 1:30-2 बजे तक जो सियासी ड्रामा चलता रहा,
कभी बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा था, कभी पेपर्स चेक किए जा रहे थे, कभी तिजोरी खोली जा रही थी तो बंद की जा रही थी, लॉकर छानबीन किया जा रहा था। तो ये सब देखा जा रहा है कि कुछ मिला तो है नहीं, लेकिन ये ज़रूर निकल कर सामने आ गया कि मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम लोगों की तरह ही ये पार्टी आज चल रही है और आम लोगों की ज़िंदगी ही ये लोग नेता जी रहे हैं और जितना भी पैसा आ रहा है ये दिल्ली की जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।